गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आज आपके इस चैनल पे। और आज का सेशन हम कर रहे हैं ऊना का। तो पहले हमने की थी ज्योग्राफी, आज हम इसका हिस्ट्री सेशन करने जा रहे हैं। छोटा सा सेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मे बी 10-15 मिनट्स में हम इसकी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपकी हिस्ट्री सेशन शुरू करते हैं। देखिए आज हम हिस्ट्री कर रहे हैं, हमने ये सारा कर लिया था कल, आज हमने करना है हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ऊना के बारे में बात करते हैं, ऊना की हिस्ट्री। एक सेकेंड, अपरिंग, चलिए ऊना की बात करते हैं। तो ऊना जो था, देखिए पहले ऊना ऊना बना कहाँ से है, अगर थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन के बेसिस पे देखें तो ऊना कहाँ से निकला है, कांगड़ा से निकला है। कांगड़ा का जब 1972 में ट्राइफर्केशन हुआ था तो कांगड़ा से दो डिस्ट्रिक्ट्स और निकले थे, एक हमीरपुर निकला था, एक ऊना निकला था। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ऊना कहाँ से शुरू हुई, हिस्ट्री ऑफ ऊना जो है आपका कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपका इतिहास, ऊना का, ऊना का इतिहास क्या कहता है कि ऊना का इतिहास ये कहता है कि ये जो एक स्टेट है, कांगड़ा की स्टेट है, ये कहाँ से निकली है, कांगड़ा के, कांगड़ा ज़िला यानी कांगड़ा प्रिंसली स्टेट से एक और रियासत निकली थी ऊना। ऊना का जो पुराना नाम था उसका नाम था जसवां। ऊना का नाम बाद में पड़ा है, पहले इसका नाम क्या था, ऊना का पुराना नाम क्या था, जसवां। जसवां जो थे वो जसवां के जो रूलर थे, जसवां जो था वो, उसको फाउंड किसने किया था, इस जसवां रियासत का फाउंडर कौन था, पूरब चंद। हमने अगर प्रिंसली स्टेट्स की हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि जसवां के फाउंडर थे पूरब चंद। 1170 ईस्वी में पूरब चंद ने जसवां रियासत को जो है फाउंड किया था। जसवां एक ऐसी रियासत है जो कांगड़ा से सबसे पहले अलग हुई है, कांगड़ा से पहली रियासत जो कांगड़ा से अलग हुई है वो है आपकी जसवां। और जसवां को बनाने वाले कौन थे, पूरब चंद। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है कि कांगड़ा से, कांगड़ा ने कितने नए ज़िले बनाए 1972 में या 1972 में, कितने ज़िले जो हैं कांगड़ा से निकले थे, एक था ऊना और एक था हमीरपुर। हम बात कर रहे हैं ऊना की, तो ऊना जो थी वो किसका पार्टी पहले, कांगड़ा का पार्टी। ऊना का पुराना नाम क्या था, जसवां था। जसवां को बनाने वाले कौन थे, पूरब चंद, जो कि 1170 ईस्वी में उन्होंने जसवां रियासत को फाउंड किया था। अब ये एक ऐसी रियासत थी जो सबसे पहले कांगड़ा से अलग हुई थी, वो कौन थी, जसवां। जसवां जो थी पहली ऑफशूट थी जो कि कांगड़ा से अलग हुई थी। और इसको जो है आपका कहा जाता है कि ये रियासत, इसमें किस डायनेस्टी ने मैक्सिमम रूल किया है, वो है कटोच डायनेस्टी। तो आपके तीन क्वेश्चंस यहाँ से, सबसे पहले तो यही वाले क्वेश्चंस ही इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इससे फाउंड हुई थी। तो सबसे पहली चीज़ है ये किसका पार्टी, कांगड़ा का पार्टी। इसको पहले क्या कहा जाता था, जसवां कहा जाता था। इस रूप इसको कौन रूल करता था, कटोच डायनेस्टी रूल करती थी। और 1170 में इसको किसने फाउंड किया था, आपका पूरब चंद ने, किसने फाउंड किया था, पूरब चंद ने। और जसवां एक पहली रियासत थी जो कि कांगड़ा से अलग हुई थी। तो पहली रियासत कांगड़ा से कौन अलग हुई थी, वो थी जसवां। तो चार क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद अनसेटल्ड टाइम्स फॉलोइंग ऑन द मोहम्मद इन्वेजन्स, जब ये सेटल टाइम्स में इस रियासत पे सबसे ज़्यादा मोहम्मदन इन्वेजन्स बहुत ज़्यादा हुए। और फ्रॉम पूरब चंद टू उमेद चंद, देखिए यहाँ पे मोहम्मद इन्वेजन्स यानी आप ये कह सकते हो कि जितने भी इन्वेजन्स हैं यहाँ पे भी मोहम्मद ने जो है अटैक किया था, या मोहम्मद गजनवीज ने जो है अटैक किया था। तो ये जो रियासत है, इस रियासत में कितने राजाओं ने काम किया, तो ओनली 27 राजास जो थे इस जसवां स्टेट पे रूल करके गए हैं। कौन कौन से, पूरब चंद से लेकर उमेद चंद राजा जो थे इस रियासत पे काम करके गए हैं, या इस रियासत पे रूल शासन करके गए हैं। फिर क्या था कि जैसे ही कांगड़ा फोर्ट को कहते हैं कि जब कांगड़ा किला पे कैप्चर किया गया, तो 1809 में किसको निकाला गया था, गोरखास को निकाला गया। और जसवां किसके पास आ गई थी, रंजीत सिंह के पास, कि जसवां रियासत पे जब कांगड़ा किला, जसवां रियासत में रंजीत सिंह ने जब कांगड़ा किला को कैप्चर किया था,
जब कांगड़ा किला को कब कैप्चर किया था, 1809 में। 1809 में जब किया था तो किसके साथ संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, ज्वालामुखी संधि। कौन सी संधि हुई थी, ज्वालामुखी संधि, जो किसके बीच में हुई थी, संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में। कब हुई थी, 1809 में, क्योंकि 1806 में तो आपका महल मौर्यों की लड़ाई में गोरखास ने अटैक किया था, तो 1806 में, 1809 में जब रणजीत सिंह ने कांगड़ा किला पे कैप्चर किया, क्योंकि संसार चंद ने उनके साथ संधि की थी, 66 विलेजेस, इसमें कितने थी, 66 विलेजेस और ज्वालामुखी मंदिर या ज्वालामुखी मंदिर, ये सारा जो है रणजीत सिंह को जाएगा अगर उन्होंने उनको कांगड़ा किला से निकाल लिया, क्योंकि गोरखास के अटैक के टाइम पे वो कहाँ पे चले गए थे, कांगड़ा किला में छुप गए थे। तो जब आपका गोरखास ने जब रणजीत सिंह ने गोरखास के साथ युद्ध किया और गोरखास को बाहर किया, तो उस टाइम पे संसार चंद जो है कांगड़ा किला से बाहर निकले और रणजीत सिंह ने कांगड़ा किला पे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और जब कैप्चर किया तो गोरखास को बाहर कर दिया। तो ये जो था जसमा जो थी उस टाइम पे, जब कांगड़ा पे कैप्चर कर लिया, तो जसमा किसके अंडर आ गई थी, रणजीत सिंह के अंडर। रणजीत सिंह ने जसवा को भी अपने अधिकार में कर लिया था। और जब इसके बाद 1815 तक, इट वॉज़ अ नेक्स्ट टू द सिक्स किंगडम, 1815 तक, 1809 से लेकर 1815, एक्सक्यूज मी, 1815 तक जो है आपका सिख इन्वेजन्स तक वो उन्होंने कैप्चर करके रखा था। ठीक है, तो आपको तीन चार क्वेश्चंस यहाँ से और मिलते हैं कि रणजीत सिंह ने कांगड़ा किला पे जब कैप्चर किया तो जसमा किसका पार्ट रही थी, रणजीत सिंह के अंडर रही, कब तक रही, 1809 से लेकर 1815 तक रही। और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जो थे, इट वाज इन द ऑटम ऑफ दैट ईयर, महाराजा सिंह समंड ऑल हिज फोर्सेस पर्सनल ट्रिब्यूटरीज टू असेंबल एट सयालकोट। अब क्या हुआ कि जब 1809 से लेकर 1815 तक आपके जो रंजीत सिंह है, उन्होंने जब इसको कैप्चर किया था, तो रंजीत सिंह ने क्या किया, इसको जब कैप्चर कर लिया, तो एक दिन उन्होंने सियालकोट में जितने भी उनसे उनके अनुयायी, जितने भी उनके रूलर्स थे, उन सबको एक समन भेजा कि वो सारे जो हैं सियालकोट में इकट्ठे हो जाएं। लेकिन किसी ने भी इनका समन नहीं माना, किसी ने भी इनका समन नहीं माना। तो यहाँ तक आपका जो आंसर है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो सबसे पहली चीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जसवा किसका पार्ट था, कांगड़ा का पार्ट था। इसका पहला नाम क्या था, ऊना किसका पार्ट था, कांगड़ा का पार्ट रहा है। इसका पुराना नाम था जसवा। 1170 में आपके पूरब चंद ने इसको फाउंड किया। जसवा जो थी वो पहली शूट थी जो कांगड़ा से अलग हुई थी। ये जो है मोहम्मद इन्वेजन्स तक टाइम रहा। फिर उसके बाद जो है रणजीत सिंह ने जो है इस पे कांगड़ा किला पे जब कैप्चर किया, तो 1809 में जो है रणजीत सिंह के अंडर आया था कांगड़ा किला। इन्होंने जो है पतझड़ के टाइम पे सब लोगों को एक समन भेजा कि सियाल को कहाँ पे इकट्ठे होना है, सियालकोट में इकट्ठे होना है। तो यहाँ तक। और 20 पर पूरब चंद से लेकर उमेद सिंह तक कितने राजाओं ने जसवा पे काम किया है, 27। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सारा स्थिर समय पे, मतलब ये स्थिर नहीं हुआ था जब मोहम्मदों ने या मुस्लिम्स ने जितनों ने भी इस पे अटैक किया। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारा हिंदी वर्शन है आपका। नेक्स्ट आता है, अनलकीली राजाज ऑफ नूरपुर एंड जसवा फेल टू ओबे द समन्स एंड फाइन फिक्स बियॉन्ड देयर रिसोर्सेज वॉज इम्पोज ऑन ईच। अब क्या हुआ, जितने भी राजा कहाँ के, नूरपुर के राजा और जसवा के राजा ने जो है इस समन तक नहीं फॉलो किया, जिसकी वजह से उनको कर देना पड़ा। अब ये जो है टू इस फेट, राजा उमेद सिंह जो है उन्होंने फिर से स्टेट को रीडिजाइन कर लिया। और क्या, क्योंकि समन्स भेजे गए, जब समन्स भेजे गए तो सबको फाइन देना पड़ा। उसमें उमेद सिंह ने जो है 12,000 रुपया देकर, आप जागीर देकर रणजीत सिंह को जो है बाहर किया, या रणजीत सिंह से जो है अपनी स्टेट को वापस लिया। और जसवा केम टू एंड एंड ऑफ द जसवा स्टेट। ठीक है, जसवा स्टेट जो है कब काम ख़त्म होगी थी आपकी, 1812,000 रुपया देकर जो है दस कम द एंड ऑफ द जसवा स्टेट। फिर ड्यूरिंग द सेकेंड सिख वॉर ऑफ 1848 राजा उमेद सिंह ज्वाइन द रिवोल्ट ऑफ हिल चीफ। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि जब राजा ऑफ नूरपुर और जसवा ने ये समन्स नहीं मांगे, तो उनके रिसोर्सेज, उनके उनको जो है कर देने पे या उनके लिए जो है टैक्स लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब वो जो है
किसकी जो उम्मीद सिंह थे वो इस कर को चुपचाप देते रहे देते रहे देते रहे और दबते रहे। जब दबते रहे तो कब तक जागीर, कितनी जागीर देते रहे, ये 12,000 रुपया देते थे। और जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके जो कोष होते थे ना वो खाली होने गए, क्योंकि ये जागीर देना शुरू हो गए। और जब 1848 में जब सेकंड सिख वॉर हुई तो ये जो राजा थे इन्होंने किसके साथ, क्योंकि इनकी सारी रियासत किसके अंडर थी, सिखों के अंडर थी आपकी, तो जब दूसरी सिख वॉर हुई तो उस टाइम पे राजा उमेद सिंह ने किसके साथ, जितने भी ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ, रिवोल्ट ऑफ हिल चीफ अगेंस्ट ब्रिटिश, उन्होंने किसके साथ हाथ जोड़ लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जितने भी आसपास के जो हिल चीफ रूलर्स थे उनके साथ हाथ जोड़ लिए। और उस टाइम पे जो कमिश्नर थे होशियारपुर के वो कौन थे, जॉन लॉरेंस। और उन्होंने क्या किया, राजा राजाज फोर्ट्स एंड रेज देम टू द ग्राउंड। जॉन लॉरेंस थे जो कि कमिश्नर ऑफ होशियारपुर थे, उन्होंने सारे राजाओं के किलाओं को जीत लिया था और उनको सबको कहाँ पे ला दिया था, ग्राउंड्स पे, यानी ज़मीन पे लाकर खड़ा कर दिया था। उसके बाद वो और उनका बेटे को कहाँ भेज दिया, अल्मोड़ा यानी कुमाऊँ, जहाँ पे दोनों की मृत्यु होगी। तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें या इस हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री क्या है कि कांगड़ा से निकली एक स्टेट, कांगड़ा में से, कांगड़ा का पार्ट थी एक ऊना, ऊना का पुराना नाम था जसवा, जसवा को बना, जसवा डायनेस्टी पे किसने रूल किया है, कटोच रूलर्स थे। और उसको बनाने वाले कौन थे, जसवा के 1170 में कौन बना था, आपका पूरब चंद ने बनाई थी। पूरब चंद ने जब ये रियासत बनाई थी उस टाइम पे मोहम्मडन्स एक्सपेंशन्स हो रहे थे या इन्वेजन्स हुई थी, क्योंकि ये अस्थिर थी, ये अभी प्रॉपरली सेटल्ड नहीं थी। उसके बाद जो है आपके मोहम्मडन इन्वेजन्स के बाद पूरब चंद से लेकर उमेद सिंह तक कितने राजाओं ने यहाँ पे काम किया, 27 राजाओं ने काम किया। जब रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी संधि के बाद कांगड़ा किला पे कैप्चर किया और क्या किया, गोरखास को बाहर किया। उसके बाद जब रणजीत सिंह ने जो है इधर 1815 तक उनका रूल शासन चलता रहा, तो अब उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या की कि उन्होंने लोगों को समन भेजे, समन भेजे कि सियालकोट में इकट्ठे हो जाओ। लेकिन ना नूरपुर राजा, नूरपुर के राजा, ना जसवा के राजा जो थे इस समन तक पहुंच पाए, जिसकी वजह से उनको क्या देना पड़ा, उनके रिसोर्सेज को फिक्स कर, उनको फाइन देना पड़ा, उन पर फाइन लग गया, जिसकी वजह से जो उमेद सिंह थे वो चुपचाप इस कर को भर, क्योंकि वो जसवा के राजा थे इसलिए वो चुपचाप इस कर को भरते रहे। और ये जब कर भरते रहे और जिसकी वजह से 12,000 रुपया जो है ये भरते रहे, और बाद में ये किसके अंडर आ गई थी, ब्रिटिश के। 1848 में जब दूसरा युद्ध हुआ तो ये उमेद सिंह ने किसके खिलाफ जो है अपने आप को खड़ा कर दिया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया तो वो दूसरे लोकल राजाओं के साथ मिल गए थे। और जब ब्रिटिशर्स ने ये सिखों को बार किया, या ब्रिटिशर्स ने जब जसवा जो था ब्रिटिशर्स के अंडर आया, तो इनका जो बेटा था जय सिंह और उमेद सिंह को कहाँ भेज दिया, अल्मोड़ा भेजा, जहाँ पे इनकी मृत्यु होगी थी। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम वेयर बोथ ऑफ डाइंग लेटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू, राजा रण सिंह सन ऑफ राजा जय सिंह वर परमिटेड टू रिटर्न। गुलाब सिंह जो थे जम्मू के राजा, उनकी रिक्वेस्ट पर रण सिंह को ये जागीर वापस कर दी गई, और जिसकी वजह से रघुनाथ सिंह जो थे उन्होंने महाराजा की ग्रैंड डॉटर से जो है शादी करनी पड़ी। देखिए राजा जय सिंह का बेटा कौन था, रण सिंह, जिसको वापस ये जागीर, मतलब उसने ये रियासत जो थी वो वापस ले ली थी। और उसके बाद उस इसी का बेटा, रण सिंह के बेटे की शादी, यानी रघुनाथ सिंह की बेटी किसके साथ हुई थी, रणजीत सिंह की ग्रैंड डॉटर के साथ। सबसे पहली चीज़ है जसवा की जो कैपिटल थी, देखिए जसवा की कैपिटल क्या थी, जो ये लोग थे जसवा के इनको क्या कहा जाता था, ये कहाँ पे, इनकी जो कैपिटल थी वो थी राजपुरा। क्या कैपिटल थी ये, राजपुरा। और इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे आपके, जसवाल्स। कौन थे आपके, जसवाल्स। ठीक है, तो ये याद रखना कि अनलकली जितने भी नूरपुर के राजा थे या जसवा थे उन्होंने ये सम्मन्स को जो है इम्पोज कर दिया। उसके बाद राजा उमेद सिंह ने जो है द्वारा से स्टेट को वापस ले लिया, मतलब जागीर देते रहे ताकि उनकी कहते हैं ना उनकी डिग्निटी बनती रहे। पर धीरे धीरे ये कर ख़त्म हो रहा था, और बाद में जो है इस चीज़ से दुखी आकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है लोकल राजाओं के साथ दे दिया। बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको अल्मोड़ा भेज दिया जहाँ पर इनकी डेथ हुई। और फिर जब इनका कह सकते हैं उमेद सिंह का ग्रैंडसन
रण सिंह ने वापस इस जागीर को लिया और उसके बाद उनका बेटा जो था रघुनाथ सिंह, जिसकी शादी किसके साथ हुई, महाराजा ऑफ ये जो गुलाब सिंह थे, सॉरी रणजीत सिंह नहीं, गुलाब सिंह जो थे जम्मू के राजा, उनके की ग्रैंड डॉटर के साथ कर दी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही उसको वापस दिलाई थी जागीर, जिसके बदले में इन्होंने अपने बेटे की शादी किससे कराई, गुलाब सिंह जम्मू के जो महाराजा के साथ, उनके साथ करा दी। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, ये सारा क्लियर हो चुका है कि पालन करने पे विफल रहे, जिसकी वजह से उनके संसाधनों पे जुर्माना लगा दिया गया। वो चुपचाप राजा उम्मेद सिंह चुपचाप कर देते रहे थे, जिसकी वजह से जसवां का अंत हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरे सिख युद्ध में राजा उम्मेद सिंह ने ब्रिटिश के खिलाफ अपने आप को खड़ा कर लिया, जिसकी वजह से उनको अल्मोड़ा भेज दिया, वहाँ पे वो मर गए। रण सिंह ने गुलाब सिंह के अनुरोध पे जो है रण सिंह को ये रियासत वापस मिल गई, जिसके बाद रण सिंह का बेटा जो था रघुनाथ सिंह, रण सिंह का बेटा कौन था, रघुनाथ सिंह, किसके साथ उसने अपनी रघुनाथ सिंह ने किसके साथ शादी की थी, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह की ग्रैंड डॉटर के साथ। तो ये चीज़ किसके टाइम पे जसवां का अंत हुआ था, उम्मेद सिंह, कौन कितना कर देता था, 12,000। दूसरे एंगल वॉर में उम्मेद सिंह ने किसका साथ दिया था, लोकल चीफ रूलर्स का। नेक्स्ट आता है आपका, फिर उसके बाद देखिए 1877 में यानी 1877 एट द रिक्वेस्ट ऑफ महाराजा रणबीर सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्टोर्ड टू राजा रण सिंह द जागीर इन जसवां। अब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने वो जागीर लेनी थी, तो 1877 कब जो है ब्रिटिशर्स से जो है राजा रण सिंह को जो है अपनी जागीर वापस मिली थी 1877 में। कब मिली थी, 1877 में, किसकी रिक्वेस्ट में, महाराजा रणबीर सिंह, जो कि कहाँ के राजा थे, जम्मू एंड कश्मीर के, और उन्होंने उस जागीर को वापस कर लिया। राजा उमेद सिंह कंसिस्टिंग ऑफ 21 विलेजेस इन जसवां दून वैली, राजा रणजीत उमेद सिंह के टाइम पे इस जसवां दून की कितने छोटे छोटे गांव थे, 21। फैमिली गार्डन जो है इनका कहाँ पे है, आम में, जहाँ पे राजा उमेद सिंह एट बिल्डिंग पैलेस बिल्डिंग्स भी बनी है राजपुरा में। राजा रण सिंह की डेथ कब हुई थी, 1892 में, और उनका जो बेटा था रघुनाथ सिंह, जिसकी शादी महाराजा गुलाब सिंह की पोती से हुई थी, वो बना, और उसकी मृत्यु कब हुई, 1918 में। लक्ष्मण सिंह, देखिए कौन कौन आए, उमेद सिंह के बाद जय सिंह, जय सिंह का बेटा जो था रण सिंह, रण सिंह की मृत्यु हुई 1892, फिर उसके बाद रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह की मृत्यु हुई थी 1918, उसके बाद आया लक्ष्मण सिंह, जिसने जो है कहाँ पे रहना शुरू कर दिया, आम में, और जैसे ही लक्ष्मण सिंह आए उसके बाद यहाँ पे कौन रहने लगा, चन्नी सिंह। तो ये थे यहाँ के रूलर्स। तो याद रखिए, सबसे पहले पूरब चंद से उमेद चंद कितने थे, 27 रूलर्स। उमेद चंद के बाद जो है इनका पोता गद्दी पे बैठा रण सिंह, रण सिंह के बाद आया रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह के बाद आया लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह के बाद आया आपका चन्नी सिंह, जो ये दोनों कहाँ पे रहने लगे, आम में। ठीक है, नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट रियासत है आपकी, ये सारा हिंदी वर्जन, सेकंड देखने दो, अब आता है कुठलेड़। सबसे छोटी कांगड़ा की रियासत कौन सी थी, कुठलेड़ रियासत थी, और ये जो इसमें सिंपल सी चीज़ है, सबसे छोटी कांगड़ा की रियासत कौन थी, कुठलेड़, जिसके दो प्रोविंसेस थे, एक थे चौंकी, एक था कुठलेड़। ठीक है, यहाँ पे जो है एक ब्राह्मण आया था, जिसने एक इस कुठलेड़ रियासत का जो रूलर था, जिसने इस रियासत को फॉर्म किया, वो एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण जिसका नाम क्या था, जसपर। बाद में उसने अपने आप को राजपूत डिक्लेयर कर लिया था। तो ऐसा कौन सा राजा था जो कि पहले ब्राह्मण था और उसके बाद उसने राजपूत कर लिया, तो वो किस रियासत का था, कुठलेड़ रियासत, जो कि कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत थी। तो उसके जो फाउंडर है वो कौन है आपके, जसपाल, कौन है आपके, जसपाल। ये क्या है, सबसे छोटी रियासत जिसकी दो हैं, चौंकी एंड कुठलेड़। 10th और इस रियासत का 10वीं और 11वीं शताब्दी में हेड ऑफ द फैमिली इज जसवाल, जिसने तलहटी और कुठलेड़ और अपनी कैपिटल को क्या कर दिया गया, कोट कैलो। देखिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे छोटी रियासत कांगड़ा की कौन सी है, कुठलेड़। कुठलेड़ रियासत को 11वीं और 12वीं शताब्दी में किसने फाउंड किया था, एक ब्राह्मण था
इस ब्राह्मण का नाम क्या था? जसपाल, जिसने तलहटी और कुठलेट पे कैप्चर किया था और बाद में अपनी कैपिटल क्या रख दी थी? कोट क्लेयर। ये जो दो स्मॉल स्टेट्स ऑफ भज्जी एंड कोटी इन शिमला वर सेट टू हैव बीन फाउंडेड बाय सेकेंड सन एंड द ग्रैंड सन। जो आपकी भज्जी और कोटी है, कोटी सूरज चंद और भज्जी जो है चारू, ये दो रियासतें जो हैं, जो कि शिमला रियासतें हैं, वो किसने फाउंड किया? जसपाल के बेटे ने और उसके ग्रैंडसन ने। इस क्लैन को क्या बोलते हैं? कुठलेड़िया क्लैन। इसको क्या बोलते हैं? कुठलेड़िया क्लैन। तो जैसे आपका कुनिहार क्लैन पूछते हैं हरिहर चंद, तो वैसे ही आपका कुठलेर जो आपका कुठलेर क्लैन जो है वो किससे रिलेटेड है? जसपाल से। अब इसके बाद जसपाल के बाद, ये जो सारा था जसपाल का, अब इसके बाद जो है लास्ट स्लाइड है ये हमारी, ठीक है। अब इस रियासत में 1758 में सबसे पहले किसने अटैक किया? घमंड चंद ने। इस घमंड चंद, जिसको क्या अहमद शाह दुरानी ने क्या नियुक्त किया था? गवर्नर। और उसने सबसे, देखिए घमंड चंद ने कब अटैक किया? 1758 में, या आप बोल सकते हो 1758 में घमंड चंद ने जो है किस पे अटैक किया था? ऊना पे, हम ऐसे मान के चलते हैं, यानी जसवां के कुठलेड़ पे, ठीक है। जब इसने कुठलेड़ पे अटैक किया, कौन था घमंड चंद जिसको गवर्नर नियुक्त किया था? अहमद शाह दुरानी ने। इसने कहाँ पे अटैक किया? चौंकी। चौंकी क्या थी? कुठलेड़ की दो प्रोविंसेस थे, एक कुठलेड़ और चौंकी। उसके बाद जो नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द स्टेट, 1758 में किसने अटैक किया था? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1758 में कुठलेड़ की चौंकी पे किसने अटैक किया था? वो थे घमंड चंद। और आपका जो है 1786 में आपका किसने किया था? कुठलेड़। और ये जो थे राजा वॉज कम्प्लीटली डिस्पोज, राजा को पूरी तरह से निकाल दिया गया था ड्यूरिंग गोरखा, जब गोरखास का अटैक हुआ तो इस रियासत को वापस से रिस्टोर कर लिया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, 1809 में ये जो रियासत थी वो किसके अंडर थी? सिखों के अंडर थी। और 1825 तक जो है ये रियासत किसके अंडर रही है? रंजीत सिंह के। तो आपको ये पता होना चाहिए 1809 से लेकर 1825 तक ये किसके अंडर रही है? आपकी महाराजा रंजीत सिंह के अंडर रही है। और इन्होंने जो है कौन सा फोर्ट? कोट वलवा फोर्ट भी ले लिया। इसके बाद जो यहाँ के रूलर थे, नारायण पाल वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। नारायण पाल जो थे यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है, सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर है, जिन्होंने रंजीत सिंह को कोट वलवा की लड़ाई में हटाया और अपनी रियासत को वापस लिया था। तो जो आपका नारायण पाल थे, उन्होंने 2 मंथ्स इस कुछ नहीं किया और बाद में 10,000 वॉज मेड और इस फोर्ट को वापस ले लिया, जिसकी वजह से राजा एग्रेड हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ? सिख फर्स्ट सिख वॉर में नारायण पाल ने सिखों को बाहर कर दिया और उसके बाद उनको कितनी ग्रांट दी गई? 10,000। पहले उसने कांगड़ा जो इनका कोट वलवा फोर्ट था उसके लिए उसने इतनी जागीर दी, उसके बाद उस जागीर को वापस ले लिया। बाद में उसने दूसरे सिख वॉर में जो है रंजीत सिंह के साथ युद्ध किया, जिस युद्ध को बोलते हैं कोट वलवा, वापस उसने फोर्ट ले लिया और उसके बाद जो है उसको जागीर देना शुरू कर दिया, उसकी लाइफ की ग्रांट देना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेटर ऑन, जो कि बाद में कौन आए? ब्रिज मोहन पाल। देखिए सबसे पहली चीज़, घमंड चंद ने इस पर अटैक किया कुठलेर में, संसार चंद ने अटैक किया है, देन उसके बाद रंजीत सिंह के अंडर रही थी ये, रंजीत सिंह को बाहर निकालने वाले 1825 में कोट वलवा का जब युद्ध हुआ था तो नारायण पाल ने रंजीत सिंह को बाहर किया था और इतनी उसको ग्रांट मिलना शुरू हो गई थी 10,000। उसके बाद जो है नारायण पाल के बाद कौन इसका रूलर बना? ब्रिज मोहन पाल, जो कि कहाँ पे? कांगड़ा रियासत पे, ठीक है। उसके बाद ये जो था, वैसे कुठलेर रियासत का लास्ट रूलर जो था ये था आपका ब्रिज मोहन पाल, ठीक है। रामचंद्र पाल भी आए थे। तो उसके बाद बेदी विक्रम सिंह रिवोल्टेड। अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसने रिवोल्ट किया था? बेदी विक्रम सिंह। फिर आपका बेदी सुजान सिंह ने जो है बेदी रूल जो है, देखिए बेदी, इसके बाद पाल्स के बाद, ब्रिजमोहन पाल्स के बाद ये यहाँ पे जो रूल था वो बेदीज का आ गया था। तो पहली चीज़ थी बेदी विक्रम सिंह, जिसने 1848 के बीच में किससे युद्ध किया था? ब्रिटिशर्स के साथ। फिर आया सुजान सिंह, जिसने बेदी रूल, मतलब जो पाल रूल था वो ख़त्म, और बेदी रूल स्प्रेड कर दिया था 1848 में।
ऊना जो था 1966 में किसका पार्ट बना, होशियारपुर का, और ये जो था ये 1966 से 1972 तक ऊना जो था ये किसका पार्ट था, कांगड़ा का, किसका पार्ट रहा, कांगड़ा का। और 1972 में ये कांगड़ा से अलग होकर एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना, और ये कहा जाता है जो ऊना का नाम है ना ये ऊना, क्योंकि इसका नाम पुराना जसवा था, ये किसके बेसिस पे रखा गया, बाबा कालाधारी जो कि यहाँ के मेन गुरु हैं। तो पहली चीज़ कुठलेर रियासत को सिंपल वे से सीधा याद कर लीजिए, जसपाल, जसपाल फाउंडर थे जो कि ब्राह्मण थे, बाद में उन्होंने राजपूत कर लिया। जसपाल के बाद जो है यहाँ पे रूलर, देखिए घमनचंद दुरानी ने यहाँ पे अटैक किया, फिर उसके बाद इधर किसने अटैक किया था, इसने आपके संसार चंद ने अटैक किया, फिर यहाँ पे रंजीत सिंह का कब्जा रहा है, कोट बलवा फोर्ट भी उन्होंने ले लिया, फिर नारायण पाल आए जिसके साथ रंजीत सिंह का कोट बलवा का युद्ध हुआ, रंजीत सिंह को जो है इतनी जागीर दिखाकर बाहर कर दिया गया, और बाद में जो है इसके बाद नारायण पाल के बाद आए ब्रिजमोहन, ब्रिजमोहन पाल जो कि लास्ट रूलर थे, ब्रिजमोहन पाल के बाद एक नई डायनेस्टी आई दैट इज कॉल्ड बेदी, उसके बाद किन्हों ने रूल किया, बेदियों ने रूल किया, तो सुजान सिंह ने जिसने बेदी रूल फाउंड किया, विक्रम सिंह जिसने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध किया, और अगर देखा जाए उन्ना 1966 में किसका पार्ट रही है, होशियारपुर का पार्ट रही है, 1966 से 72 तक वो किसे 6 साल किसका पार्ट रही, आपके उन कांगड़ा का पार्ट रही, 1972 में इसको सेपरेट स्टेट कर दिया गया और इसका नाम ऊना, बाबा कालधारी। तो देखिए इससे सीधा सा है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि पहली रियासत जो कांगड़ा से अलग हुई थी वो थी जसवां, राजपुरा उसकी कैपिटल थी, पूरब चंद ने उसको बनाया था, जसवां पे 27 रूलर्स ने काम किया है जो कि पूरब सिंह से लेकर उमेद सिंह थे, उमेद सिंह जो थे रंजीत सिंह ने इस पे कैप्चर किया था, तो रंजीत सिंह का कब्जा 1809 से 1815 तक रहा, और जब रंजीत सिंह का कैप्चर इस पे रहा था तो उस टाइम पे जो है रंजीत सिंह का कैप्चर रहा, रंजीत सिंह ने सबको जो है सियालकोट इकट्ठा करने हैं पर कोई भी इकट्ठा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनको कर देना पड़ा, और उमेद सिंह हमेशा कर देते रहे जिसकी वजह से जसवां ख़त्म हो गया था। लास्ट में जसवां के राजा जो उमेद सिंह थे उन्होंने किसके साथ जोड़ लिया हाथ, लोकल चीफ्स के साथ, और लास्ट में किसको ख़त्म है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसकी वजह से उनको कहाँ भेज दिया गया, अल्मोड़ा। लास्ट में कौन आया, रणजीत, इनका बेटा रण सिंह आया जिसने गुलाब सिंह ऑफ जम्मू से हेल्प लेकर वापस इस जागीर को लिया, और महाराजा जो थे जम्मू एंड कश्मीर के उन्होंने इसको ये रियासत दी, रघुनाथ सिंह इनके बेटे बने। बाद में आए छेदी सिंह जो कि छेनी सिंह जिन्होंने आम पैर अधिकार किया। फिर आए कुठलेर रियासत, सबसे छोटी रियासत है, जसपाल जो थे फाउंडर थे, पूरब चंद जो है आपके सॉरी आपके नारायण पाल इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिसने कोट बलवा के युद्ध की, ब्रिजमोहन पाल लास्ट रूलर है, सुजान सिंह जिसने जो है आपका बेदी रूल स्प्रेड किया ब्रिटिशर्स के साथ, विक्रम सिंह ने अटैक किया, 1966 तक ये होशियारपुर का पार्ट था, और 1972 में ये सेपरेट डिस्ट्रिक्ट रहा। जो रह जाएगा वो हम वन लाइनर्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी रियासत जो जिसका नाम है ऊना, आज ये ऊना ख़त्म हुआ, मंडे को हम इसके वन लाइनर्स करेंगे, फिर हम एक नई डिस्ट्रिक्ट के साथ आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद जो है आपको वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, यूट्यूब को लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल पूजा गुप्ता। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर लाइक करना और शेयर करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुमोरो इज़ हैप्पी करवा चौथ, सो विश यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ, मे गॉड गॉडेस करवा हेल्प्स यू और टू गिव द मैक्सिमम और मैक्सिमम ऑफ हैप्पीनेस, कि भगवान करे कि आपको ये जो करवा है ये अपनी आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि आप उन खुशियों के साथ जिए। दूसरी चीज़ कि कल फेस्टिव सीजन है तो होप्सो की क्लास हो या ना हो वो डिपेंड करता है, बट उम्मीद करूँगी कि स्टैटिक जीके का पार्ट जरूर लूँगी, मैं स्टैटिक जीके का पार्ट भी लूँगी, और जो आपका पंचायत सेक्रेटरी का पेपर हुआ है ना उसको भी जो है उसका जीके सेक्शन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, पर पेपर इतना सिंपल था कि मुझे लगता है वो सभी को एक इजी सेशन से लगा होगा, इसमें सॉल्व करने की मुझे नहीं नीड लगी। मैथ्स का सेशन है तो वो मैं ट्राई करूँगी, मैं पक्का नहीं कह सकती कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, पर कल के सेशन में मोस्ट प्रोबेबली एक ही क्लास होगी जो कि आपकी स्टैटिक जीके की, बाकी आप थंबनेल्स को एक बार चेक कर लेना,
पर प्लीज़ इंजॉय कीजिए अपना फेस्टिव सीज़न। ये हफ्ता फेस्टिव सीजन्स का ही है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि क्लासेस ऊपर नीचे हों। ऊपर नीचे मीन्स क्लासेस होंगी पर कम भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज़ चल रही है तो उन सीरीज़ को देखिए। संडे का दिन है, जिनकी सीरीज़ मिस हुई है वो सारी सीरीज़ देखिए, उनको रिवाइज़ कीजिए। क्योंकि मैंने अभी रिवीजन सेशंस इसलिए बंद किए क्योंकि हम ये सारी सीरीज़ ले रहे हैं। तो मंडे से फिर हम नए सीरीज़ के साथ आएंगे, यानी इन्हीं सेशंस का 6th क्लास लेकर आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वो सेशंस अच्छे लगे। सो ब्लेस यू विद द हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्टे ब्लेस्ड।